हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री हिस्ट्री। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे पद्मनाभन स्वामी मंदिर का जो रहस्यमय दरवाज़ा है, और इस दरवाजे के पीछे क्या रहस्य है, और जो है चर्चा में क्यों है ये भी, और इस पर जो है कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, क्योंकि कुछ दिन पहले से ये देखा जा रहा है कि इस पर जो है स्वामित्व जो है किसका रहेगा, एक्चुअल में इस पर देख रेख कौन करेगा। इस सारी बातों को जो है कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और इस कोर्ट का जो है वर्डिक्ट आ गया है, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले लीजिए, तो टेम्पल से और हेरिटेज से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और यहाँ पर देखा, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर जो उसका तहखाना है, और उसका जो सातवां नंबर है वह जो है कोर्ट का फैसला उस पर आ गया है। तो पहले ही मैं बता दूं, इसमें जो है दरवाजे हैं, और बहुत सारे दरवाजे हैं, तो दरवाजे कितने हैं वो भी हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए मंदिर जो है वो कहाँ पर है, केरल राज्य में है। इसमें जो किस देवता को पूजा जाता है, विष्णु देवता को पूजा जाता है, और पद्मनाभ स्वामी इनका नाम है, ठीक है, ओके, उपनाम है। इसकी जो इमारतें हैं वो किस प्रकार की बनी है, वो द्रविड़ स्थल कला की जो है बनी हुई है, और ये अवस्थित कहाँ पर है, ये एक्चुअल में कहाँ पर है, किस जगह पर है, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये एग्जाम में आपके आता रहता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें 6 तहखाने जो है ढूंढ लिए गए हैं, जिनका नाम है A, B, C, D, E और F, ठीक है। इसके कुछ समय बाद जो है 2 तहखाने और ढूंढे गए, G और H, ओके। तो मंदिर के तहखाने का सातवां द्वार, इसके पीछे जो है खजाना जो है, क्या रहस्य छुपा है वो हम जानेंगे। बता दूं मैं आपको, ये यहाँ पर देखिए, जिस सारे के सारे जो हैं तहखाने खुल चुके हैं, लेकिन एक तहखाना नहीं खुला है, ओके। तो ये सातवां दरवाज़ा है, उसके पीछे क्या रहस्य है, कोई इसमें कोई भी ताला नहीं है, कोई अंदर क्या कैसा खजाना है वो पता नहीं है, इस पर कोई भी पहरा नहीं है, किसी को पता नहीं दरवाजे की रक्षा करते और करते हैं इसके 2 जो हैं सांप जो इस पर छपे हुए हैं, वो जो 2 सांप इसकी रक्षा करते हैं, जिन पर जो है दरवाजे पर आकृति बनी हुई है, जिनकी इजाज़त के बिना खजाने का दरवाज़ा खोला नहीं जा सकता। तो ये सांप इजाज़त कैसे और किसे देते हैं, इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष या कोई योगी जो होगा वही खोल सकता है। गरुण मंत्र के शुद्ध उच्चारण और स्पष्ट उच्चारण के द्वारा लेकिन इसको खुला जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये है कि उच्चारण सही नहीं हुआ तो आप तो मृत्यु हो सकती है। ये कहानी जो है वह बहुत प्रचलित है, बहुत पुरानी है। एक मंदिर के लिए दुनिया का ये सबसे अमीर मंदिर जो है वो माना जाता है। इसमें 75 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो मानी जाती है, वो फोर्ब्स के आकलन के द्वारा ये बताया गया है, जिसके स्वामित्व पर विवाद इस कदर जो है छिड़ा हुआ है कि फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और मंदिर की मंदिर केरल जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, देश का प्रमुख वैष्णव मंदिर में से ये एक है, ओके। इस मंदिर की संपत्ति पर किसका हक है, इसके मैनेजमेंट और रखरखाव का जिम्मा जो है कौन संभालेगा, इस सवालों का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने दिया। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये 2 नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, इस के मंदिर के बारे में। तो राजा जो है उनकी मृत्यु हुई, और परिवार का अधिकार जो है उनका छीना नहीं जा सकता, ऐसा कहा किसने, कोर्ट ने, ठीक है। बात ये थी कि मंदिर के रखरखाव और मैनेजमेंट का जिम्मा जो था कौन संभालेगा, राज्य सरकार या त्रिवणकोर रॉयल फैमिली, ओके। त्रिवणकोर रॉयल फैमिली जिसके पुरखों ने कभी मंदिर को बनवाया था, ओके। 2011 में केरल हाईकोर्ट ने फैसला राज्य सरकार के पक्ष में दिया था। त्रिवणकोर रॉयल फैमिली ने इस फैमिली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 9 साल बाद अब फैसला आया है, और कोर्ट ने कहा है
कि जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रख रखाव और मैनेजमेंट का जिम्मा जो है त्रावणकोर रॉयल फैमिली के पास रहेगा। मंदिर का निर्माण कराने वाले त्रावणकोर के राजा की मृत्यु उनके परिवार को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि निर्देश दिए हैं कि मंदिर से जुड़े मामले को संभालने के लिए एक समिति बनाई जाए। त्रिवनपुरम के जिला जज इस समिति के चेयरपर्सन होंगे, ओके, और सभी जो समिति के सदस्य होंगे वह हिंदू होंगे। त्रावणकोर के राजा ने कहा कि मैं हूँ पद्मनाभ दास, ठीक है, मतलब जो है ईश्वर की जो है दास जैसा कुछ, ठीक है। अब मंदिर की बात अगर हम करते हैं, पद्मनाभ मंदिर के इतिहास की जड़ें जो हैं, या कहें ये जो है लगभग छठी शताब्दी पुराना है। 1750 में त्रावणकोर के महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी पद्मनाभम दास जो है बताया है और अपना जीवन और संपत्ति पद्मनाभ को समर्पित की है। उन्होंने मंदिर को जीर्णोद्धार कराया, मतलब उनको बनवाया, मंदिर को वो स्वरूप दिया जो कमोवेश आज भी है, मतलब जो बना हुआ है, ओके। 1947 तक त्रावणकोर के राजा ने यहाँ पर शासन किया और मंदिर का रखरखाव किया और मैनेजमेंट संभाला। 2014 में क्या बदलाव हुए, इसके बाद ये काम जो है एक ट्रस्ट के पास आ गया। इस ट्रस्ट का चेयरपर्सन शाही परिवार का ही कोई व्यक्ति रहता था। ये वास्तव में जो अप्रैल 2014 तक जो है चला, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अब एक अंतरिम समिति बनाई जाए, जिला जज इसकी अध्यक्षता करें और न्याय फैसला आने तक ये समिति मंदिर का रखरखाव करें, ओके। मंदिर के सातवें दरवाजे के पीछे एक्चुअल में क्या है वो हम इसमें देखेंगे। मंदिर के मैनेजमेंट का अधिकार जो है अधिकारी तय करने के लिए जब सारी कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, तो उसी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर के सभी तहखानों के दरवाजे खोले जाएं ताकि कुल संपत्ति का अंदाज़ा लगाया जा सके। तहखाने के छठे दरवाजे खोले गए, यानी 6 दरवाजे खोले गए, करीब 1 लाख करोड़ के हीरे जवाहरात मिले, सोने के पिलर्स मिले, सोने के हाथी जो है देवताओं की सोने की मूर्तियां मिली, 18 फुट लंबे हीरे के नेकलेस और 66 पाउंड के सॉलिड नारियल भी यहां पर मिले। अब बारी थी तहखाने के सातवें दरवाजे को खोलने की, वही दरवाजा जिसे सापित जो है माना जाता है और जिसे जिसके बारे में त्रावणकोर परिवार के मार्तंड वर्मा ने कहा था। क्या कहा था, दरवाजा खुला तो प्रलय आएगी, इस रहस्य को रहस्य रहने दिया जाए, ओके। तो ये जो है त्रावणकोर के राजा ने कहा था जो सातवां दरवाजा उसके बारे में। अब इसके आगे चलते हैं। 1931 में दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, हजारों जो है नाग जो है तहखाने को जो उन्होंने खेल लिया और लोगों को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी। 1908 में भी ऐसी जो है ऐसी असफल कोशिश की गई थी। तो ये जो है ऐसी माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी ये कहानियां हैं, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर से जुड़ी आस्थाओं जो है को सम्मानित करते हुए सातवां दरवाज़ा खोलने को रोक दिया है, यानी कई सालों बाद भी ये दरवाज़ा बंद ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर से जुड़ी आस्थाओं का सम्मान किया और ये दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। फोर्ब्स ने भी जो है इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर जो है एक आर्टिकल लिखा है और सातवें दरवाजे का जिक्र भी किया है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि इस दरवाजे का के पीछे जो खजाना है वो बाहर आया तो मंदिर की कुल संपत्ति जो होगी वो $1 ट्रिलियन हो जाएगी, ओके, यानी कि लगभग 75 लाख करोड़। अभी कितनी है, 2 लाख करोड़, ठीक है, ओके। अभी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की इसकी संपत्ति है। इसे जो है देश का और लगभग जो है हर देश का या कहें विश्व का सबसे अमीर जो है मंदिर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस संपत्ति पर अधिकार अब त्रावणकोर शाही परिवार का है। सातवां दरवाज़ा अभी भी बंद है, नागों का रहस्य अभी भी खुला नहीं है और ये रहस्य ही बना रहा है।
तो फ्रेंड्स जो वैष्णव इसे वैष्णव के सबसे बड़े आस्था स्थलों में से एक भी है। तो फ्रेंड ये वीडियो आई थिंक आपको अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो और भी आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।